अस्सलाम वालेकुम, मैं अम्बीन काशिप आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम मिनाल खान आईज मेकअप क्रिएट करेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त मेकअप मुझे लगा, मैंने चाहा कि आपके सामने ज़रूर इसे भी शेयर करूँ। तो चलो अपना मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अपने आईज़ को प्राइमर कर लेंगे और ये आईज लुक मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंपल वे पे है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत कम स्टेप्स में और बहुत जल्दी क्रिएट हो जाए। तो मुझे तो बहुत पसंद आया और इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश की है। मेरे डार्क सर्कल्स हैं, इसे मैंने क्राइलोन के 508 कलर कैरेक्टर की मदद से अपने अंडर आइज पे लगा दूंगी और उसको कैमोफ्लेज कर दूंगी। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम अपने आईब्रोज को शेप अप करेंगे। इसके लिए मैं केक लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक मैसी सा आईज लुक, आईब्रोज का लुक चाहिए, जैसे कि आपने पिक में देखा ही है थंबनेल पर कि एक मैसी सा आईब्रोज का लुक है, कोई ऐसी प्रॉपर लाइन क्रिएट नहीं की है। मैं वही लुक अचीव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। देखिए अब मैंने ब्राउन पेंसिल अप्लाई कर दी है, इसे जस्ट ब्लेंड कर लूँगी और एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये ब्लेंडिंग अच्छे से कीजिए, इसको ऊपर के साइड ब्लेंड कर दीजिए और एक अच्छा सा मैसी सा आईब्रोज का लुक क्रिएट हो जाएगा, मज़ेदार सा। देखिए ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कीजिए। देखिए अब मेरे आईब्रोज ब्लेंड हो चुकी हैं। अब मैं कंसीलर की मदद से अपने आईब्रोज को नीट करूँगी, मिस रोज के कंसीलर को एक फ्लैट ब्रश की मदद से ले लूँगी और इसको अच्छे से आईज पर अप्लाई कर लूँगी। फ्लैट ब्रश की मदद से इसे अपने आईज पर अप्लाई कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये मैंने पूरी आईज पर लगा दिया है एज ए बेस और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। आप चाहे तो इसको फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं, मैं इस वक्त फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से ब्लेंडिंग कर दीजिए और मैं इसे अंडर आइज एरिया पे भी लगा दूंगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और अब मैं इसे ड्राई पाउडर की मदद से सेट कर लूंगी। तो चलिए मेरे आइज का बेस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ब्राउन शेड यूज़ करूंगी, फेसिट के ब्राउन शेड लूंगी, कंट्रोलिंग किट से एक ब्राउन शेड उठाऊंगी, उसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से पूरे आईज पर ब्लेंड कर दूंगी। पहले आउटर कॉर्नर से लगाऊंगी और इनर कॉर्नर के साइड लेके जाऊंगी। अच्छे से ब्लेंडिंग कीजिए, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं पूरे आईलेट पर इसे ब्राउन शेड को लगा दूंगी और आईलेट और सॉकेट लाइन दोनों पे ब्राउन शेड अप्लाई होगा। ब्राउन शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और इनर आईज एरिया पे भी हमें ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो देखिए अब मैं क्रीज टीम की कंटोरिंग किट से एक ब्राउन शेड उठाऊंगी, उसको भी ब्रश की मदद से सबसे पहले आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी। उसे डायरेक्टली मैं इनर कॉर्नर पे नहीं लेके जाऊंगी, फिर उसको ब्लेंड करते हुए मैं इनर कॉर्नर के साइड लेके जाऊंगी। मैं जो आईज को थोड़ा सा और डार्क करूँ और मज़ीद ब्राउन लुक देना था, इसलिए मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया। अब ब्लैक काजल पेंसिल की मदद से मैं एक लाइनर की मोटी सी लाइन क्रिएट करूँगी। यहाँ भी मैं ब्लैक केक लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको मुझे ब्लेंड करके मुझे लाइनर की ब्लेंडिंग करनी थी, इसलिए मैं ब्लैक लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसे ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये ब्लैक काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ताकि इसकी कलर के साथ जब ब्लेंडिंग करूँ तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए। तो अगर आपको ब्लेंडिंग करनी हो तो आप काजल पेंसिल या ब्लैक शेड यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने डार्क ब्राउन शेड के साथ एक पेंसिल ब्रश की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है।
एक कोई सी एक हार्श लाइन नहीं चाहिए थी, इस लुक में मुझे ब्लेंडिंग चाहिए। आपका लाइनर बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। तो चलिए देखिए मेरा लाइनर हो गया है ब्लेंड। अब हम ब्लैक काजल पेंसिल अप्लाई करेंगे। इनर कॉर्नर में अच्छे से हम ब्लैक काजल पेंसिल अप्लाई कर देंगे। अब फिर इस काजल पेंसिल को हम डार्क ब्राउन शेड के साथ ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि हमें मिनाल खान के मेकअप से नियरिस्ट वाला लुक चाहिए। तो हम उस लुक में हमें थोड़ी सी ब्लैक स्मोकी आइस लुक से क्रिएट हुआ था, अब हम इसे डार्क ब्राउन के शेड के साथ वही हमारी कंटूरिंग किट एज यूजुअल ब्राउन शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर बेशतर ब्राउन शेड कंटूरिंग किट से उठा लेती हूँ। इसे कोई मसला नहीं होता कि आप शेड कहाँ से उठाते हैं, ये कहाँ से अप्लाई करते हैं, बट आपका काम परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं कोई कंटूरिंग किट यूज़ कर लेती हूँ, कहीं से भी मुझे शेड जो अपना मतलब प्रॉपर शेड चाहिए होता है मुझे कहीं से भी मिलता है, मैं यूज़ कर लेती हूँ। कोई प्रॉपर आपको आप बोलें कि नहीं मुझे आई शेडो पैलेट से ही उठाना है तो ये वो ज़रूरी नहीं है, बस आपको वो लुक क्रिएट करना है। आपके काम में परफेक्शन होना चाहिए, बस आप लुक क्रिएट करना है। अब मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी अपने लोअर लैशेस और लैशेस पर, फिर उसके बाद मैं लैशेस अप्लाई करूँगी ताकि हमारी लैशेस अच्छी सी दिख सकें। तो चलिए मस्कारा हो गया है अप्लाई। अब मैंने लैशेस अप्लाई कर दी हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मुझे लैशेस लगाने में थोड़ा सा कैम्पिका का इशू होता है, तो मैंने लैशेस अप्लाई कर ली थी। अब मैं अपने ब्रो बोन को फेस शीट के गोल्डन शेड से पेंसिल ब्रश की मदद से हाईलाइट कर लूँगी लाइट लाइट सा। देखिए अपने आईब्रोज अपने ब्रो बोन को हाईलाइट कर लिया मैंने, और इसी पेंसिल ब्रश की मदद से मैं इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। ये देखिए इनर कॉर्नर पे भी बहुत लाइट सा हमें हाईलाइट लगाना है, क्योंकि हमें जो लुक चाहिए उसमें हमें इतनी ज़्यादा ग्लिटर या हमें इतनी हाईलाइट की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए हमारा आइस लुक मेकअप क्रिएट हो चुका है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।